सोमवार को वेतन आयोग की चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए मंडल के सभी ग्रामीण डाक सेवक प्रधान डाक कार्यालय पर इकट्ठा होकर लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि डाक विभाग जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों की अहम भागीदारी होती है। आज महंगाई को देखते हुए ग्रामीण डाक सेवक सीमित वेतन में पूरे दिन कार्य करता है, इतने कम वेतन में परिवार का खर्च चलाता है। लेकिन कमेटी के संस्तुति रिपोर्ट को लागू करने में सरकार हिला हवाली कर रही है। ग्रामीण डाक कर्मियों का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू नहीं करती है तो डाक विभाग की सारी व्यवस्थाएं ठप कर दी जाएंगी। हड़ताल पर बैठे डाक सेवकों में मुख्य रूप से रमेश शुक्ला, सत्यजीत कुमार, चिंतामणि मिश्रा, नरेंद्र यादव, आनंद पांडे सहित विभिन्न मंडलों से आए ग्रामीण डाक सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सरदार नगर से हड़ताल में शामिल हुए ग्रामीण डाक सेवक रामानंद यादव ने कहा, इतिहास की चर्चा है, यह आप लोगों की जो हड़ताल है आज तक न कभी हुआ था और न भविष्य में ऐसा हड़ताल होने की कोई संभावना है। साथियों, आज तक हम लोग अपने बल पर यह हड़ताल ऐतिहासिक कर सकते हैं साथियों, लेकिन सरकार होंगे कि मैं इन लोगों के साथ अगर कदम ताल नहीं मिलाया, ये बहुत बड़ा जीवन का भूल किया जाएगी। आज 14 दिन हो गए लगातार संजुटेटर भी तक नहीं हो पा रहा है। अरे मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, हम लोग की व्यवस्था से पूरी गवर्नमेंट हिल गई है, पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल गया है, इसीलिए बहुत ही अच्छा है। और आप लोग हमको कुछ समय दीजिए और मैं आप लोगों की मांग मान ले रहा हूँ। ये तैयार नहीं हो रहा है कहने के लिए सरकार से कि आपको समय दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज आदान प्रदान होता है या टेलीफोनिक बात होती है तो हम सरदार नगर पोस्ट ऑफिस के VDS कर्मचारी हैं जी। तो क्या आप लोग की बात पहुंच सकी, क्या है रहा? अब सर हम लोगों का नेतृत्व तो ऊपर दे रहा है, उनको जानकारी तो हो गई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब हमारे सीनियर लीडर गोरखपुर में ऐसा धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम सब साथी आकर के यहाँ बैठ रहे हैं। गोरखपुर के जनपद के कोने कोने से सभी डाकघर बंद है, हम लोग आकर के यहाँ अपना धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो सारी हम लोग की सारी मांगे उनको अवगत हो गई है। आदरणीय कमलेश चंद्रा जी की रिपोर्ट 100% लागू कराने के लिए हम लोग अनिवार्यता बैठे हुए हैं। जब तक लागू नहीं होगी तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। कम से कम आज तक 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है, लेकिन राजस्व 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अब अभी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है कि हम गांधीवादी हैं, हम उनकी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी बात को वो नहीं मान करके 100% राष्ट्रीय आदरणीय कमलेश चंद्रा जी की रिपोर्ट लागू नहीं कर देते हैं।